हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे एपोकैलिप्टो। ये मूवी सन 1502 के दौर पर बनाई गई है, जो एक मैक्सिकन जंगल के कबीले पर है, जिन्हें कुछ जालिम लोगों ने कुछ पैसों की खातिर उनकी औरतों को बाजार में बेच दिया था और अपने खुदा को खुश करने के लिए इनके आदमियों की बलि दी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कबीले वाले एक बड़े से खंजीर का शिकार कर रहे होते हैं, जिसको पकड़ने के लिए इन्होंने जंगल में जगह जगह फंदे लगाए होते हैं। वो उन सब फंदों से बच जाता है, लेकिन काफी देर भागने के बाद वो खंजीर आखिरकार इनके एक खतरनाक फंदे में फंस जाता है, जिसमें इसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तभी आता है फिल्म का हीरो, जिसका नाम जगवार होता है। वो आकर इसका गला काट देता है और इसे इस फंदे से उतार कर और अपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर इसे काटना शुरू कर देता है। ये सब आपस में काफी अच्छे और गहरे दोस्त होते हैं और साथ में इसका फादर फ्लिंट भी होता है। ये सब लोग आपस में उस खंजीर का गोश्त बांट रहे होते हैं। तभी जगवार को अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, फिर वो वहाँ आवाज देता है, कौन है वहाँ? फिर उनके सामने एक दूसरे कबीले के लोग निकल कर आते हैं। जगवार समझता है शायद ही हम पर हमला करने चाहते हैं। तभी फ्लिंट दूसरे कबीले वालों से बोलता है, जंगल का ये हिस्सा हमारा है और यहाँ मेरे दादा शिकार करते थे, और अब मैं और मेरा बेटा, जो कि यहाँ का सरदार है, उसके बाद इसका बेटा यहाँ शिकार करेगा। उसके बाद दूसरे कबीले का सरदार उन्हें कुछ मछलियाँ देता है और बदले में जगवार उन्हें खंजीर का गोश्त देता है। और दूसरे कबीले का सरदार फ्लिंट से बोलता है, हम यहाँ से सिर्फ गुजरना चाहते हैं। फ्लिंट उन्हें यहाँ से गुजरने की इजाजत दे देता है। फिर दूसरे कबीले के सारे लोग जाने लगते हैं, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े होते हैं। वो काफी जख्मी होते हैं। दूसरे कबीले का सरदार बताता है, हमारे कबीले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हमें वो जगह छोड़नी पड़ी और अब हम कोई दूसरी जगह तलाश कर रहे हैं। फिर जगवार इनके पीछे जाता है, ये पूछने कि उन पर किसने और क्यों हमला करा था। तभी उसका फादर फ्लिंट उसे रोक लेता है और उसे इनके पीछे जाने नहीं देता। उसके बाद वो लोग अपने कबीले वापस आने लगते हैं, लेकिन जगवार अभी उसी कबीले के बारे में सोच रहा होता है। फिर ये लोग अपने कबीले आ जाते हैं। ये काफी खुशहाल कबीला होता है और ये सब आपस में मिलजुल कर रह रहे होते हैं। फिर जगवार अपनी वाइफ, जिसका नाम सेवन है, जो कि अभी प्रेग्नेंट है, और अपने बेटे से मिलता है और उनके साथ खूब मस्ती करता है। अगले दिन की सुबह हम देखते हैं जगवार सो रहा होता है। तभी वो ख्वाब में देखता है उसी कबीले के सरदार को जो उसे कल मिला था। वो देखता है उसके हाथ में उसका दिल है और उसका पेट कटा हुआ है, और एक डॉग जगवार की तरफ भौंक रहा होता है, और वो आदमी जगवार को बोलता है, भागो। फिर जगवार की आंख खुल जाती है और वो उठता है और देखता है सब ठीक है, लेकिन अभी वो बेटा अपने ख्वाब के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी उसे सामने कुछ हलचल दिखती है। वो खड़ा हो जाता है और देखता है कुछ लोग उसके कबीले पर हमला करने वाले हैं। वो फौरन अपनी वाइफ सेवन और बेटे को भागने का बोलता है, और दूसरी जगह कबीले के लोग अभी सो ही रहे होते हैं और वो लोग अब हमला कर देते हैं और कबीले वालों को मार मार कर उनके घरों को जला रहे होते हैं। कबीले के लोग उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावर तादाद में काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो उन पर हावी हो जाते हैं। दूसरी जगह जगवार अपनी वाइफ और बेटे को लेकर एक सूखे कुएं के पास आ जाता है और एक रस्सी की मदद से उन्हें नीचे उतारना शुरू कर देता है, और दूसरी जगह हमलावर बुरी तरह उन कबीले वालों को मार रहे होते हैं। फिर एक आदमी जगवार को देख लेता है कि वो उस कुएं में कुछ छुपा रहा है, और अब जगवार भी देख लेता है उसकी तरफ। वो आदमी बड़ी तेजी से भागता हुआ जगवार की तरफ आ रहा होता है, और जगवार जल्दी जल्दी अपनी वाइफ को नीचे छोड़ना शुरू कर देता है और आखिर में कुछ रस्सी छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और बेटा काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। अब जगवार उस आदमी को पकड़ लेता है और उसको जान से मार देता है। फिर वो अपनी वाइफ से बोलता है, तुम लोग यहीं छुपे रहना, मैं कबीले वालों की मदद करने जा रहा हूँ, और ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन सेवन उसे जाने नहीं देना चाहती। वो बोलती है, मत जाओ हमें छोड़कर, लेकिन जगवार बोलता है, डरो मत, मैं वादा करता हूँ मैं जरूर आऊंगा। फिर वो रस्सी एक दरख्त से बांध देता है और वहाँ कबीले वालों की जान बचाने चला जाता है, जहाँ पर वो हमलावर औरतों पर जुल्म कर रहे होते हैं और उनके आदमियों को बांध रहे होते हैं। फिर जगवार देखता है एक आदमी, जिसका नाम मिडल आई है, वो उसके फादर फ्लिंट के साथ लड़ रहा होता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी जगवार मिडल आई पर हमला कर देता है, और उसे बस मारने ही वाला होता है, तभी उन हमलावर का सरदार आ जाता है, जिसका नाम जेरो होता है। वो जगवार को पीछे से पकड़ लेता है, और मिडल आई, जो कि जेरो का खास आदमी है, उसे बोलता है, ये मुझे जिंदा चाहिए, जिस पर मिडल आई बहुत गुस्सा होता है। फिर जगवार देखता है फ्लिंट को भी इन लोगों ने पकड़ लिया है। वो उनसे माफी मांगता है कि वो इन्हें इन सब से बचा नहीं सका। तभी मिडल आई देखता है ये इस आदमी का फादर है, तो वो फ्लिंट को उठाता है और उसके गले से हार उतार देता है। तभी फ्लिंट जगवार से बोलता है, कभी जिंदगी में नहीं डरना, और मिडल आई फ्लिंट की गर्दन पर चाकू रखता है और उसका गला काट देता है। अपने फादर का गला कटता हुआ देखकर जगवार को बहुत दुख होता है, और मिडिल आई उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। और जब जगवार की आंख खुलती है, तो वो देखता है कबीले के सभी लोग बेबसी से बंधे होते हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा हैं और इनके साथ बच्चे और औरतें भी हैं, जिसका वो फायदा उठा रहे होते हैं। और अब
जगबार को भी बांध दिया जाता है। फिर जगबार उस सूखे कुएं की तरफ देखता है जहां उसने सेवन और अपने बेटे को छोड़ा था। जब वो उस कुएं की तरफ देख रहा होता है तो जेरो का बेटा देख लेता है जगबार को उस तरफ देखते हुए। वो समझ जाता है जरूर वहाँ कुछ है जो ये देख रहा है। जेरो का बेटा उस जगह जाता है, उसे वहाँ दरख्त के साथ एक रस्सी बंधी दिखती है जो सूखे कुएं में जा रही होती है। वो अंदर झांक कर देखता है, उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता क्योंकि सेवन अपने बेटे को लेकर उस कुएं की छोटी सी सुरंग में छुप गई थी। लेकिन उसे अभी तसल्ली नहीं होती, उसे लगता है शायद अंदर कोई है। फिर वो वहाँ से एक बड़ा पत्थर उठाकर उस कुएं में फेंकता है ताकि कोई अंदर हो भी तो वो इस पत्थर के गिरने से मर जाए। लेकिन सेवन महफूज जगह पर होती है। फिर जेरो का बेटा उस रस्सी को काट कर चला जाता है। अब जेरो सब लोगों को यहाँ से चलने का बोलता है और ये लोग सारे कबीले वालों को ले जा रहे होते हैं लेकिन बच्चों को छोड़ जाते हैं, शायद वो इनके काम के नहीं थे। फिर आगे चलकर हम देखते हैं वहाँ पर वो कबीले वाले भी होते हैं जो एक दिन पहले जगबार को मिले थे जंगल में, जिन्होंने इन्हें मछलियाँ दी थी। जेरो ने उन्हें भी पकड़ लिया था। अब यहाँ जेरो उन सब लोगों को कैदी बनाकर उन्हें अपने कबीले ले जा रहा होता है जो यहाँ से काफी दूर है। और जेरो के कबीले जाने वाला रास्ता भी काफी खतरनाक होता है क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पर पहाड़ हैं और झीलें हैं, लेकिन इन सबको जिस तरह बांधा होता है इसकी वजह से इन्हें चलने में काफी तकलीफ हो रही होती है। फिर हम देखते हैं दूसरी जगह सेवन भूखी प्यासी उस सूखे कुएं में जगबार के आने का वेट कर रही होती है और अब रात हो चुकी है। और यहाँ हम देखते हैं जेरो और उसके साथी एक जगह खाना खाने और रात को आराम करने के लिए रुक जाते हैं। फिर अगली सुबह ये फिर से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तभी कुछ आगे चल के एक बड़ा दरख्त अपने आप गिर रहा होता है और ये लोग देखते हैं वो दरख्त इन्हीं के ऊपर गिरने वाला है, जिससे ये लोग अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। फिर ये लोग आगे चलना शुरू हो जाते हैं। फिर रास्ते में एक कबीला आता है लेकिन उस कबीले में कोई नहीं होता, बस एक छोटी बच्ची एक लाश के पास बैठी रो रही होती है, शायद वो उसकी माँ की लाश थी। दरअसल उस कबीले में एक प्लेज नामी बीमारी आई थी जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोग मर चुके थे और वो छोटी बच्ची को भी वो बीमारी थी। फिर वो बच्ची उनके पास आती है, उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन जेरो का आदमी ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो बीमार है और अगर वो उसे साथ ले जाता है तो उसके कबीले में भी ये बीमारी फैल जाएगी। वो उसे जोर से धक्का देता है। तभी वो बच्ची जगबार को देखती है और जेरो के आदमी से बोलती है, तुम मुझे यहाँ से नहीं लेकर जा रहे लेकिन तुम सब भी मरोगे। एक काला दिन आने वाला है और उस काले दिन के बाद एक आदमी आएगा और तुम्हें जंगल में ले जाएगा और तुम सबको मिटा देगा और वो आदमी तुम्हारे साथ ही है। जेरो के आदमी उसकी बात सुनते हुए चले जाते हैं और अब यहाँ जेरो अपने कबीले पहुँच चुका है जो एक काफी बड़ा कबीला होता है। और यहाँ पर जेरो जैसे कई सरदार होते हैं जो अलग रंग और अलग नस्ल के होते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बाजार होता है और लोग इन्हें देख रहे होते हैं। फिर इन्हें एक टेंपल पर ले जाया जाता है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ सिर्फ आदमियों पर नीला रंग लगा रही होती हैं। दूसरी जगह जेरो पास में एक दुकानदार को वहाँ जंगल से जो औरतों को पकड़ कर लाया था उनको बेच देता है, जहाँ उनको गुलामी के लिए नीलाम कर दिया जाता है। उसके बाद जेरो उन सब आदमियों को जिन पर नीला रंग लगा दिया गया था उन्हें एक बड़े से टेंपल पर ले जाता है। दरअसल ये वो टेंपल है जहाँ पर इंसानों की बलि दी जाती थी और उस बलि की पेंटिंग उन्होंने दीवारों पर बनाई हुई होती है। फिर हम देखते हैं एक टेंपल को जो काफी बड़ा होता है और ऊपर सीढ़ियों से सर काट कर नीचे फेंक रहे होते हैं और यहाँ बलि का सिलसिला चल रहा होता है, जहाँ पर दूसरे सरदार अपने अपने आदमियों को लेकर आए हुए हैं बलि देने के लिए। अब जेरो यहाँ इन सबको ऊपर लेकर आ जाता है और वहाँ ऊपर काफी सारे पुजारी होते हैं। फिर जेरो उन्हें अपने आदमियों की बलि पेश करता है और वहीं वो पुजारी नीचे खड़े लोगों को बता रहा होता है, हमारी जमीन प्यासी हो गई है, खुदा हमसे खून मांग रहा है, इसीलिए उसने हमें पलज नामी बीमारी में मुब्तला कर दिया, इसीलिए हमने खुदा को खुश करने के लिए ये खून वाली बलि देने का फैसला करा था ताकि हम मजबूत हो जाएं और कोई बीमारी हमारा कुछ न कर सके, और ये बलि वाली बात डेस्टाइन खुदा तक पहुँचाएंगे क्योंकि ये खुदा के बहुत करीब है। नीचे खड़े सभी लोग बहुत जोश में होते हैं उस पुजारी की बात सुनकर। अब बलि का सिलसिला फिर से शुरू करा जाता है और एक आदमी को वहाँ लिटाकर सीना चीर कर उसका दिल निकाल दिया जाता है। फिर उसका सर जिस्म से अलग करके नीचे लोगों में फेंक दिया जाता है। और यहाँ जगबार को अपनी वाइफ की याद आ रही होती है, वो उससे करा वादा निभा नहीं सकेगा क्योंकि अब अगली बारी उसी की है। फिर जगबार को आगे लाया जाता है और जब जगबार को लिटा देते हैं बलि के लिए तभी वहाँ सूरज ग्रहण हो जाता है, यानी चांद दिन में सूरज पर आ जाता है। और जो आदमी बलि कर रहा होता है वो डेस्टाइन पुजारी की तरफ देखता है, वो उसे रुकने का बोलते हैं और सूरज की तरफ देखकर कुछ पलते हैं। फिर सूरज ग्रहण की वजह से अंधेरा हो जाता है और सब लोग खामोशी से ये नजारा देख रहे होते हैं। तभी एक पुजारी लोगों से बोलता है, खुदा हमसे खुश हो गया है और उसकी खून वाली प्यास पूरी हो गई है, हमने उसकी प्यास बुझा दी है और अब खुदा फिर से सूरज की रोशनी लुटाकर हमें मैसेज दे रहा है, मैं तुमसे राजी हो गया हूँ। फिर वो पुजारी जगबार को बलि वाली जगह से हटा देता है और जेरो के हवाले कर देता है। जेरो पूछता है, इनका मैं क्या करूंगा? पुजारी बोलता है, इन्हें जाया कर दो। फिर वो उन्हें एक बड़े से मैदान में ले आते हैं क्योंकि बलि के लिए इन पर नीला रंग कर दिया गया था तो ये गुलामी के लिए बेचे नहीं जा सकते, इसीलिए इन्हें आजाद करने के बहाने अपने शिकार करने की प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो सब अपने शिकार वाले हथियार निकाल देते हैं। फिर जेरो अपने बेटों को मैदान के दूसरे सिरे पर भेज देता है और मिडिल आई दो लोगों की रस्सी काट कर उन्हें बोलता है, तुम्हारे सामने तुम्हारा जंगल है, और बोलता है, जाओ भागो तुम आजाद हो। उनकी समझ में नहीं आ
आ रहा होता है ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं। फिर मिडिल आई दोबारा बोलता है जाओ भागो, फिर वो दोनों वहां से भागना शुरू हो जाते हैं। तभी ये सारे लोग उन पर पीछे से तीर भाले नेजे मारना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी के सर पर पत्थर आकर लगता है, वो नीचे गिर जाता है और दूसरा आदमी अभी भाग रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक नेजा आकर उसकी पीठ से घुसकर पेट से निकल जाता है और वो वहीं गिर जाता है। उसके बाद जेरो का बेटा जो वहां मैदान की दूसरी तरफ खड़ा होता है दूसरे वाले आदमी को अपने डंडे से मार देता है। फिर मिडिल आई जगवार से बोलता है अब तुम्हारी बारी है, और अब जगवार समझ गया था उसे कैसे वहां से भागना है और वो बहुत होशियारी के साथ जिगजैग पोजीशन में भागता है। उसके साथ जो आदमी होता है वो भी ऐसा ही करता है और अब ये लोग पीछे से वार करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिगजैग भागने की वजह से इनका निशाना नहीं लग पा रहा था। तभी एक आदमी तीर मारता है और वो तीर सीधा भागने वाले आदमी के मुंह से निकलता है। अब जगवार अकेला भाग रहा होता है, फिर जेरो उस पर तीर चलाता है और वो तीर जगवार को लग जाता है, पर वो तीर उसकी कमर की साइड पर लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ जेरो का बेटा जब उसे मारने आ रहा होता है तो जगवार का दोस्त जो अभी वहाँ जख्मी हालत में पड़ा होता है वो जेरो के बेटे का पैर पकड़ के गिरा देता है और जगवार को बोलता है यहाँ से भाग जाओ। वहीं जगवार अपने तीर को आगे से तोड़ देता है और जब जेरो का बेटा उसे मारने आता है तो वो उसका हाथ पकड़कर वो तीर उसके गले पर मार देता है। वहीं दूसरी जगह जेरो और उसके आदमी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और जब जेरो का बेटा जमीन पर गिरता है तो वो समझ जाते हैं जगवार ने उसे मार दिया है और वो लोग उस पर तीर नेजे भालों की बरसात कर देते हैं। लेकिन जगवार अपना तीर निकालकर जंगल की तरफ भाग जाता है और यहाँ जेरो गुस्से में पागल हो रहा होता है क्योंकि उसका जवान बेटा अब मर चुका है। फिर वो उसका बदला लेने उसके पीछे भागता है जंगल में। यहाँ जगवार भी लगातार बस उनसे बचने के लिए भाग रहा होता है। काफी दूर भागने के बाद जगवार थक जाता है, फिर उसे एक दरख्त दिखता है और वो उस पर आराम करने के लिए उस पर चढ़ जाता है। तीर लगने की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा होता है, उसका काफी खून भी निकल रहा होता है। फिर वो देखता है नीचे वो लोग वहां से गुजर रहे होते हैं जगवार को ढूंढते हुए। तभी जगवार का एक खून का कतरा मिडिल आई की कमर पर गिर जाता है, लेकिन वो भागता हुआ आगे निकल जाता है। फिर वहीं हम देखते हैं उस दरख्त पर ब्लैक टाइगर का बच्चा जगवार को देखकर दहाड़ रहा होता है और उसके नीचे दरख्त पर उसकी माँ जगवार को देखकर हमला कर देती है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जेरो और उसके आदमी काफी आगे आ चुके हैं लेकिन उन्हें जगवार कहीं भी नहीं दिख रहा होता। फिर उसमें से एक आदमी को मिडिल आई की कमर पर ताजा खून दिखता है। वो जेरो से बोलता है वो पीछे ही किसी दरख्त पर चलकर बैठा है और ये खून उसी का है। जेरो बोलता है वापस चलो और ऊपर की तरफ देखो। दूसरी जगह जगवार भाग रहा होता है और उसके पीछे वो ब्लैक टाइगर होता है। तभी जेरो को सामने किसी के भागने की आवाज आ रही होती है। वो बोलता है रुक जाओ, शायद हमारी तरफ जगवार भागता हुआ आ रहा है। वो लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वो दिख जाता है और वो लोग उसकी दूसरी तरफ से पीछा कर रहे होते हैं। तभी जगवार और ब्लैक टाइगर के बीच में जेरो का एक आदमी आ जाता है और ब्लैक टाइगर उसको दबोच लेता है और जगवार वहां से भाग जाता है। वहीं अपने आदमी को बचाने के लिए जेरो और बाकी के लोग भी आ जाते हैं और वो लोग ब्लैक टाइगर को मार देते हैं, लेकिन जेरो का एक आदमी मर जाता है। दूसरी जगह जगवार पागलों की तरह बस भाग रहा होता है। फिर एक जगह जगवार को दरख्त दिखता है जिसकी छाल को चबाकर अपने जख्म पर लगा लेता है। जगवार को भागते भागते रात हो जाती है, लेकिन वो देखता है वो लोग भी अभी उसके पीछे आ रहे होते हैं। उन लोगों के पास मशाल होती है जिसकी मदद से वो जगवार को ढूंढ रहे होते हैं। जगवार को लगातार भागते हुए अब सुबह हो जाती है। फिर जेरो के एक आदमी को जगवार का नीला रंग एक दरख्त पे लगा दिखता है, वो उसको हाथ लगाता है तो वहीं एक जहरीला सांप उसकी गर्दन पर काट लेता है, लेकिन जेरो उस आदमी को वहीं छोड़कर जगवार के पीछे चला जाता है क्योंकि उसे पता है वो अब इस जहर से नहीं बचेगा और वो अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता। वहीं जगवार भी बस भाग रहा होता है। तभी उस पर एक तीर आता है लेकिन वो बच जाता है। वो पीछे देखता है, जेरो और उसके आदमियों ने जगवार को देख लिया है और वो उसके काफी नजदीक हैं और वो पीछे से तीर चला रहे होते हैं, लेकिन जगवार अपने आप को उन सबसे बचाता हुआ अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रहा होता है। तभी वो सामने देखता है रास्ता खत्म हो गया है और एक बड़ी नदी का झरना बहुत नीचे गिर रहा होता है। वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो फैसला करता है कि वैसे भी वो लोग इसे यहाँ आकर मार देंगे, क्यों ना अपनी किस्मत आजमा कर देख लूं। फिर वो वहाँ ऊपर से नीचे उस झरने में कूद जाता है। उसे कूदता देखकर जरूर समझता है वो मर गया होगा, लेकिन तभी वो देखता है वो किनारे पर निकल रहा है और वो जिंदा है। फिर जगवार नीचे से खड़ा होकर जरूर को ललकारता है और बोलता है ये जंगल मेरा है और मैं जगवार हूँ, एक शिकारी, अगर हिम्मत है तो आ जाओ नीचे मुझे पकड़ने। जेरो अपने आदमी से बोलता है हम नीचे जाएंगे इसे पकड़ने। तभी उसके साथ एक आदमी बोलता है नीचे खतरा है, हमारी जान जा सकती है, उसे जाने दें। फिर जेरो उसको अपने चाकू से मार देता है और बाकी के लोगों से बोलता है हम सब नीचे कूदेंगे। फिर मिडिल आई नीचे उस झरने में कूदता है, उसे कुछ नहीं होता और ये सब कुछ जगवार भी देख रहा होता है। फिर दूसरा आदमी नीचे कूदता है लेकिन उसका सर नीचे एक चट्टान से लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। उसके बाद ये सारे वहां कूद जाते हैं। अब जगवार ये सब कुछ देखकर वहां से भागना शुरू हो जाता है और वो थोड़ा आगे चलकर एक दलदल में गिर जाता है और वो पूरा का पूरा अंदर चला जाता है। और दूसरी जगह जेरो और उसके आदमी भी उसके पीछे जंगल में आ गए हैं। अब दलदल से निकलकर जगवार सोचता है मैं उनसे भाग क्यों रहा हूँ, ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ का शिकारी हूँ, मैं यहाँ हर एक चीज के बारे में जानता हूँ। वो तय करता है कि वो इन सब का यहाँ मुकाबला करेगा। फिर वो एक शेर की मक्खी का बड़ा सा छत्ता उठाकर ले आता है और जब वो लोग जगवार के
करीब आते हैं तो वो उसे उन पर फेंक देता है और खुद आगे भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ सेवन भूख और प्यास की वजह से उस सूखे कुएं से निकलने की कोशिश कर रही होती है। वो रस्सी पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांधकर ऊपर फेंकती है ताकि वो रस्सी ऊपर जाकर किसी जगह में फंस जाए और वो यहाँ से निकल जाए। काफी बार ट्राई करने के बाद वो कामयाब हो जाती है और दूसरी जगह जगवार को एक पीला मेंढक नजर आता है जिसे वो पकड़कर उसके जहर को बड़े बड़े कांटों में लगाता है और उन्हें भटकाने के लिए अपने भागने के निशान बनाता है और एक जगह उनके आने का वेट करता है। दूसरी जगह उसकी वाइफ ने जो रस्सी ऊपर फंसाई थी वो उसके जरिए ऊपर चढ़ रही होती है, तभी वो रस्सी ऊपर से निकल जाती है और वो नीचे आकर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं जगवार जो कि अपने पैरों के निशान बनाकर एक जगह छुपा हुआ था, वहाँ जब जेरो के आदमी पहुँच जाते हैं तो जगवार एक पत्ते की मदद से उन कांटों को वो सबसे पीछे वाले आदमी पर मारता है जिसके जहर की वजह से वो वहीं गिर जाता है और वो आदमी जोरों को आवाज लगाता है। बाकी लोग तो आगे निकल जाते हैं लेकिन मिडिल आई उसकी आवाज सुन लेता है और वो पीछे जाता है तो वो देखता है जगवार वहाँ खड़ा है और जगवार देखता है कुछ दूर एक कांटों वाला डंडा पड़ा है और मिडिल आई भी देखता है कि जगवार उस डंडे को उठाना चाह रहा है मारने के लिए। फिर दोनों एक साथ भागते हैं और जब मिडिल आई उस पर वार करता है तो जगवार स्लिप होकर मिडिल आई के वार से बाल बाल बच जाता है लेकिन हल्की सी चोट उसके माथे पर लग जाती है और वो कांटों वाला डंडा उठाकर सीधा मिडिल आई के सर पर मारता है जिससे उसकी सर की रग फट जाती है। फिर जगवार उसे एक जोरदार डंडा मारकर मिडिल आई का खेल खत्म कर देता है और अब बारिश शुरू हो जाती है। वो सोचता है अपनी वाइफ के बारे में, फिर वो उन्हें बचाने के लिए भागता है। तभी वहाँ जेरो भी आ जाता है और वो देखता है उसके दो आदमी और मर चुके हैं और अब ये तीन आदमी बचे हैं। फिर जगवार वहाँ उस कुएं के पास आ जाता है जहाँ उसकी वाइफ मदद के लिए बोलती है। इसी दौरान पीछे से जेरो भी आ जाता है, वो अपनी वाइफ को छोड़कर आगे चला जाता है और वो उस कुएं में झांकते हैं और वो नीचे देखते हैं एक औरत और एक बच्चा है लेकिन अभी उन्हें जगवार को पकड़ना था। वो जगवार को पकड़ने भागते हैं। फिर जगवार जेरो को अपने उसी फंदे वाली जगह पर ले आता है जो उन्होंने शिकार के लिए लगाया होता है। फिर जेरो उस पर पीछे से तीर मारता है और वो तीर जगवार के सीने पर लगता है। फिर जगवार उस तीर को सीने से निकालकर जेरो को अपने पास बुलाता है लड़ने के लिए। फिर जेरो भी गुस्से में अपना चाकू निकालकर जगवार को मारने के लिए भागता है। तभी उसका पैर एक फंदे पर पड़ जाता है और वो नोकदार डंडे जेरो के में घुस जाते हैं। जेरो का वहीं काम तमाम हो जाता है। दूसरी जगह जेरो के लोग भी देखते हैं जेरो अब मर गया है। वो उसकी लाश देखकर जगवार के पीछे भागते हैं। वहाँ कुएं में पानी भरता जा रहा होता है और अब सेवन एक पत्थर पर खड़ी हो जाती है। दूसरी जगह जगवार लगातार भाग रहा होता है क्योंकि अभी भी उसके पीछे जेरो के दो आदमी लगे होते हैं। फिर वो समंदर के किनारे पर पहुंच जाता है और वहीं गिर जाता है और सामने देखता है। तभी वहाँ जेरो के लोग भी आ जाते हैं और वो लोग भी जगवार की तरह सामने देखते हैं। तभी हम देखते हैं समंदर में काफी सारे बड़े बड़े शिप में यूरोपियन आ जाते हैं जिनके पास काफी सारा असला होता है और उन्हें देखकर जेरो के आदमी आगे उन यूरोपियन की तरफ बढ़ जाते हैं। जगवार उन्हें आगे बढ़ता देखकर पीछे हट जाता है और अपनी वाइफ को बचाने कुएं की तरफ भागता है। और जब वो कुएं के अंदर झांकता है तो वो देखता है उसकी वाइफ अपने एक बच्चे को कंधे पर और दूसरे को अपने हाथ से ऊपर करी होती है। फिर सीन चेंज होता है और वो लोग जंगल में एक पहाड़ के ऊपर से जा रहे होते हैं। तभी वो लोग उन यूरोपियन शिप को देखते हैं। सेवन जगवार से पूछती है क्या हमें उनके साथ जाना चाहिए। जगवार बोलता है नहीं, हम जंगल में जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। फिर वो लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।